बरनाल क्षेत्र से एक जमीनी विवाद सामने आया है। दो पीड़ित महिलाएं अपने परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, यहां उन्होंने शिकायती पत्र दिया। शिकायती पत्र में इन्होंने बताया है कि गांव का ही रहने वाला एक दबंग परिवार इनकी जमीन पर कब्जा कर रहा है और जब कब्जे का विरोध किया जाता है तो ये दबंग परिवार इनके साथ बदतमीजी और मारपीट करने पर उतारू हो जाता है। यहां पहुंची इन महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। आइए आपको भी दिखाते हैं इस खबर के जरिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर खड़ी इस महिला का नाम मृता पत्नी धीरज कुमार, इसके साथ मौजूद श्रुति पत्नी नीरज कुमार निवासी तुलसीपुर थाना बरनाहाल ने यहां एक पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया है जिसमें उसने बताया है कि उनके पूर्वजों की खाली जगह गांव में ही है जिस पर मालकाना हक भी उन्हीं का है, लेकिन गांव के ही रहने वाले विपक्षी अष्टमोट पुत्र खेसारी लाल द्वारा उसकी जमीन पर दबंगई दिखाते हुए गुंडागर्दी के बल पर अवैध रूप से कब्जा किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त लोग उसकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने पर उतारू है। इतना ही नहीं, उक्त लोगों ने जमीन पर लगभग कब्जा कर भी लिया है। जब पीड़ितों की ओर से अवैध रूप से कब्जा किए जाने से रोका गया तो इनके साथ दबंगों ने दबंगई दिखाते हुए गाली गलौज करते हुए मारपीट की। पीड़ितों ने जब मामले की शिकायत थाने पर की तो इलाका पुलिस द्वारा भी पीड़ितों को संतोषजनक जवाब नहीं मिला जिससे परेशान होकर पीड़ितों ने अब पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। रविता जी, किस चीज की शिकायत करने आए हैं आप, क्या समस्या आ रही है? सर, हमारी जगह की विवाद है। जगह हमारे अपने जो जगह है बाबा के नाम से, वो तीन लोगों की है। दो लोगों के मकान बने खड़े, हमारी जगह खाली पड़ी है। अब वो लोग अपनी जगह वो तो बना चुके हैं, हमारी जगह पड़ी है उसमें कब्जा कर रहे हैं। हमारा तीसरा हिस्सा नहीं। कौन लोग हैं वो? असमोत बंटू और खुदरम बलबीर। अच्छा, संबंधित थाने में शिकायत की है? हाँ, थाने में शिकायत की है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी। कोई मारपीट भी आपके साथ? हाँ, मारपीट की है। जब हम थाने को जा रहे थे रास्ते में तो हमारी छेड़खानी की, हमारे कुंडल और चेन उतार ली, हमारे सारे कपड़े कपड़े फटे हैं और हमारे बच्चे की चोट है सर में और हमारे पेट पेट में लात मारी है। अधिकारी से आप मिले हैं क्या? आश्वासन दिया अधिकारी? क्या कहा उन्होंने? ये क्या, जाओ थाने।